आरोपियों ने अधिवक्ता का रास्ता रोक कर की मारपीट। पीड़ित पहुंचे एसपी कार्यालय, लगाई गुहार। रीवा जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। पीड़ित अधिवक्ता का रास्ता रोक कर आरोपी मयंक तिवारी व श्याम सुंदर तिवारी के द्वारा जान से मार देने की धमकी व मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत एसपी कार्यालय में पीडीटी के द्वारा दर्ज करा दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं व जिला न्यायालय रीवा में विगत 10 वर्षों से वकालत का कार्य न्यायालय में करता हूं और निरंतर न्यायालय आता जाता रहता हूं। गृह ग्राम से न्यायालय की दूरी किलोमीटर है। 6 फरवरी 2021 को न्यायालय आते समय रास्ते में नहर के पास रीवा गुड़ मार्ग में सुबह के समय रास्ता रोककर आरोपी मयंक तिवारी व श्याम सुंदर तिवारी ने गाली गलौज की व धमकी दी कि जान से खत्म कर देंगे, नहीं तो अपना बयान न्यायालय में बदल दे। पीड़ित द्वारा और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। क्या समस्या लेके आज वकील साहब एसपी ऑफिस आए हैं? मैं समस्या ये लेके आया हूँ कि हमारे साथ पहले भी इन लोगों ने घटना कर दी थी। कौन लोग? मयंक तिवारी और मनीष तिवारी और सोलू, पंकज और शैलू और ये रामरति तिवारी। ये सब कौन है? ये सब गांव के हैं। किस बात पे हमला किया था आपके ऊपर? जी इसकी हमको जानकारी नहीं, मैं बारात में गया था। बारात के बाद जैसे ही द्वार पूजा हुई, द्वार पूजा के बाद अंदर जयमाला देखने के बाद मम्मी लोग बोली कि घर चलना है, तो मैं बोला कि ठीक है चलिए, मैं गाड़ी लेकर बाहर निकल रहा हूँ। मम्मी लोग भी चल दी पाछे। जैसे मैं गया तो वहाँ पंचर कर रहे थे, तो मैं मना किया तो वहीं गाली गुप्ता करने लगे और मारने लगे। 8-10 लोग थे और मैं फिर उसके बाद हमको होश ही नहीं आया। दो महीने किस दिनांक को मारपीट हुई थी? ये 19 और 2019 की बारात थी और रात्रि 1 बजे, मतलब वो 20/6। फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं मुझको दवाई के लिए ले गए तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए और हमारी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो क्या पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया था? आरोपियों के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था। गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई थी और कुछ लोगों की नहीं हुई थी। कौन कौन सी धारा लगाई गई थी आरोपी के ऊपर? 323, 294, 506 और 307। अब आ जाए हैं आप एसपी ऑफिस, किस मुद्दे को लेके आ जाए हैं? मैं इस मुद्दे को लेके यहाँ पे आया हूँ कि मैं यहाँ 10 वर्ष से वकालत करता हूँ। हमारे घर से ये जिला न्यायालय 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो बीच में हमें नहर के किनारे रोक कर श्याम सुंदर तिवारी और मयंक तिवारी जो आरोपी फरार था 2 महीने, उसके बाद अग्रिम जमानत में बाहर आया, तो वही धमकी देता है कि ये बयान न्यायालय में बदल दो नहीं तो जान से ख़त्म कर देंगे। अभी तक मैं फरार था तो पुलिस हमको नहीं पकड़ी है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर है और हमारा कुछ नहीं है। तो क्या पुलिस आरोपियों को बचाव कर रही है? जी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसी से उनका हौसला बुलंद। क्या चाहते हैं आप? क्या आपके ऊपर भी कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं? हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज, हमको जिसकी सूचना हमको मिली है उसी से संबंधित की भाई, उसमें न जांच हुई न पड़ताल हुई, मतलब उसमें कोई विवेचना नहीं की गई। नहीं की गई है। आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना रायपुर कचुलियान का। क्या चाहते हैं आप? क्या मदद चाहते हैं पुलिस से? मदद हम ये चाहते हैं कि जो सही हो उसकी जांच करके पुलिस उसमें कार्रवाई करे। नाम बता दीजिए। दीपक प्रसाद तिवारी, एडवोकेट। रायपुर पुलिस ने फर्जी मुकदमा किन किन लोगों के ऊपर काम किया है? जी हमारे खिलाफ है और हमारी मम्मी है और हमारी बहन और पत्नी है।